दिव्यांग वर्ग यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड, इसकी कई उपश्रेणियां होती हैं। बहुत बार जब आप किसी सरकारी नौकरी लिए आवेदन करते हैं तो आप देखते होंगे इसमें पीडी, पीबी, बीएलए, ओएल और बीएच जैसे शब्द लिखे रहते हैं। बहुत सारे लोग इन टर्म से परिचित होते हैं तो बहुत सारे लोग परिचित नहीं होते हैं, लेकिन दोस्तों दैनिक जीवन में भी हमें इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इन विभिन्न कैटेगरीज के बारे में और ये भी जानेंगे कि इन कैटेगरीज में कौन कौन सी डिसेबिलिटी मनुष्य के शरीर में आती है और इसको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत छोटा सा है, पूरा जरूर देखिएगा और इसे लाइक और शेयर करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों जो डिसेबिलिटीज होती हैं वो तीन प्रकार की होती है। एक होती है लोकोमोटर, यानी कि जो हड्डी से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है उसे लोकोमोटर या फिर सेरेब्रल पाल्सी के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो डिसेबिलिटी होती है वो दृष्टि से संबंधित होती है और इसे ब्लाइंडनेस या लो विजन कहा जाता है। और उसके बाद आता है हियरिंग इंपेयरमेंट, यानी कि श्रवण शक्ति की असक्तता। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर शुरू से लोकोमोटर या सेरेब्रल पाल्सी के अंतर्गत जो डिसेबिलिटी आती है उसके बारे में। अगर मेंशन है बीएल, बीएल का मतलब होता है बोथ लेग अफेक्टेड, अगर दोनों पैर प्रभावित हैं तो वहां पर मेंशन होता है बीएल, लेकिन इसमें हाथ प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। अगर लिखा गया है बी ए तो मतलब होता है कि बोथ आर्म्स अफेक्टेड, यानी कि दोनों हाथ इसमें प्रभावित हैं और इसके अंतर्गत इम्पेयर्ड रीच, यानी कि हाथ को ऑपरेट करने में दिक्कत, या फिर अगर आप ऑपरेट कर भी लेते हैं तो जो ग्रिप होती है, जो आपकी पकड़ होती है वो कमजोर बनती है। तो दोनों ही आते हैं बी ए यानी कि बोथ आर्म्स अफेक्टेड श्रेणी के अंतर्गत। उसके बाद आता है बी एल ए, अगर कोई मानव है जिसके दोनों पैर या और दोनों हाथ दोनों ही प्रभावित हैं, मतलब हाथ और पैर दोनों से वो असक्त है, तो उसे लिखा जाता है बी एल ए। उसके बाद आता है ओ एल, अगर ओ एल लिखा गया है तो इसका मतलब है कि जो मानव है उसका एक पैर प्रभावित है, चाहे वो दाहिना होगा या बायां होगा। और इसकी भी तीन श्रेणियां बनाई गई हैं, इम्पेयर्ड रीच यानी कि चल फिर नहीं सकता, दूसरी बात चल फिर सकता है लेकिन उसकी ग्रिप ठीक से नहीं बनती है, एटॉक्सिक यानी कि या फिर चलता फिरता तो है लेकिन अनियमित तरीके से, जो एक तारतम्यता होती है चलने में वो काम नहीं करती है। तो ये तीन श्रेणियां हैं ओएल के अंतर्गत। उसके बाद आता है ओए, ओए मतलब वन आर्म अफेक्टेड, अगर एक हाथ प्रभावित हो, और इसके अंतर्गत अगर एक हाथ इम्पेयर्ड रीच है, मतलब सही से काम नहीं कर रहा है, या ग्रिप कमजोर बनती है, या वो अनियमित है, तो ये तीनों श्रेणियां आ जाती हैं ओ ए यानी कि वन आर्म अफेक्टेड के अंतर्गत। इसके बाद आता है बी एच, अगर बी एच लिखा गया है तो इसका मतलब ये है कि संबंधित मानव का जो स्टिफ बैक और हिप्स है वो ठीक से काम नहीं करता है, वह व्यक्ति ना तो बैठ सकता है और ना ही स्टूप कर सकता है, ठीक है, तो ये लिखा जाएगा बी एच। अगर मस्कुलर डिजीज है, मस्कुलर वीकनेस है, तो उसे इंडिकेट किया जाता है एम डब्ल्यू से, ठीक है। तो दोस्तों ये जो डिसेबिलिटीज हैं वो आती हैं लोकोमोटर या सेरेब्रल पाल्सी के अंतर्गत। इसके बाद आता है ब्लाइंडनेस यानी कि दृष्टि बाधिता, इसमें तो एक होता है कंप्लीटली ब्लाइंड, तो इसको लिख देंगे बी, ठीक है। अगर बी लिखा गया है तो इसका मतलब होगा कंप्लीट ब्लाइंड, पूरी तरह से वो व्यक्ति देख नहीं सकता है। अगर पी बी लिखा गया तो इसका मतलब है कि वो देख सकता है आंशिक रूप से, मतलब उसकी दृष्टि कमजोर है, तो वहां पर मेंशन होता है पी बी बी, ठीक है, तो ये लो विजन से संबंधित है। उसके बाद आता है आपका हियरिंग इंपेयरमेंट, श्रवण संबंधी बीमारी, एक होगा उसमें डेफ यानी कि बिल्कुल भी सुन नहीं सकता है, और इसको इंडिकेट किया जाता है डी सी। उसके बाद आता है पी डी, पी डी इज स्टैंड फॉर पार्शियली डेफ, तो इसका मतलब भी आप समझ रहे होंगे कि मशीन वगैरह लगाकर वो आदमी सुन सकता है और बिना मशीन लगाए बिना हियरिंग एड्स के वो कम सुन पाता है, मतलब उसकी श्रवण शक्ति कमजोर होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स बहुत ही टर्म्स हैं जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के अंतर्गत प्रयोग में लाए जाते हैं। और बहुत अभी हाल ही में जो आपने देखा यूपी ट्रिपलसी ने जो वीडियो का रिजल्ट जारी किया है तो उसमें भी आपने पीबी पीडी वगैरह आपने देखा होगा। तो ये पूरी जानकारी है, उम्मीद करता हूँ कि इससे आपका इंफॉर्मेशन, आपका नॉलेज काफ़ी इंक्रीज हुआ होगा।
वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।